हाय गाइस, वेलकम बैक टू क्लास ऑफ प्लानिंग। और आज हम बात करने वाले हैं नेशनल इनकम कैलकुलेशन थ्रू इनकम मेथड। हाउ आर गोइंग टू कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वो चीजें आपको ऑन टिप पहुंचेगी, जैसे कि सबसे पहले नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट है क्या और क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हम इसे इनकम मेथड से निकालना सीख लें। सबसे पहले रीजन, इनकम मेथड एक ऐसा प्रोविजन है जो आपको बताता है कि नेशन को कैलकुलेशन करते हुए हम कहां कहां से पैसे इकट्ठा कर सकते हैं और जो पैसा हमारे पास था उसको कैसे रूल आउट किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ नेशन इनकम। द फर्स्ट थिंग दैट इज द डेफिनेशन ऑफ नेशन इनकम एंड दैट इज नोन एज टू बी द सम फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री प्लस द नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। सो ये कॉन्सेप्ट शुरू में हमें पता कर देता है। तो हमने कहा इनकम मेथड पढ़ रहे हैं, दैट्स टॉकिंग अबाउट नेशन का, जिसको हम बोलते हैं एनएमपी एट एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारे याद है नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। अभी नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट है, इसको दो पार्ट से मानते हैं। पहला डोमेस्टिक इनकम, जिसको आप बोलते हो एनडीपी एट एफसी। यस, एनडीपी एट एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। Second, NFIU, that is the net factor income earned from abroad. अब जब मैं NDFC plus NFIU करता हूं, तो ये जो D है domestic, ये turn out होता है किसमें, national में, तो ये बन जाएगा NNP at FC, जो हमें चाहिए। तो यहाँ पहला ये concept कर दीजिए, आपके NNP at FC का form है हमारे पास, domestic income plus net factor income from abroad. अब यहाँ पे मैंने NFIU को बिल्कुल clear छोड़ दिया, क्योंकि इसका कोई लेना नहीं है। ये सिंपल सी इनकम है, जो भी इनकम हम अर्न करते हैं थ्रू आउटसाइड सोर्सेज ऑफ इंडियन टेरिटरी, उसको बोलते हैं एनएफआई। वेयर जब हम बात करते हैं डोमेस्टिक इनकम की, तीन मोटे मोटे पार्ट्स हो सकती है। नंबर वन सीओई, दैट इज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। आई रिपीट, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जी, दिस इज नोन एज वी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। सेकेंड वी हैव operating surplus, जिसको आप OS से refer करते हो, that is operating surplus, and the third point is MISE, that is mixed income of self-employed. Yes, इसको बाद में लिखने का सिर्फ रीजन ये था क्योंकि इसकी आगे कोई ब्रांच नहीं है जिसको आपको डील करना हो। ये क्या होता है, तो पहले शुरू करते हैं हम MISE से। सब मिक्सड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड रेफर करता है जब आप खुद ही अपने एम्प्लॉय, एक टीचर, एक डॉक्टर, कोई भी प्रोफेशनल, वो अपने लिए खुद काम करता है। द वन हु अर्न्स फॉर हिमसेल्फ, मतलब खुद का नौकर, खुद ही वो आदमी जो अपने लिए पैसा अर्न करता है, उसको बोलते हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। यस, दिस इज ऑल अबाउट द सेल्फ एम्प्लॉयड, एक आदमी जो अपने लिए पैसा कमा रहा है उसको हम मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड बोलते हैं। तो इनकम दैट वाज जनरेटेड बाय द पर्सन बाय हिमसेल्फ इज नोन एज द इनकम अंडर द हेड ऑफ मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। दूसरा पेज आता है हमारे पास कॉम्पनसेशन एम्प्लॉयज। सर जब मैं किसी के लिए काम करता हूं तो उसके बदले जो रिटर्न में मुझे मिलता है, यस व्हाट एवर आई एम गोइंग टू गेट इन रिटर्न, वो कहलाता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। इस कॉम्पनसेशन एम्प्लॉय में सबसे पहले बात मेरे साथ है वेजेस एंड सैलरी। सर यहाँ लिखा हुआ है इन कैश। जब भी आप किसी के लिए काम करते हो तो रिटर्न में जब आपको कुछ पैसा मिलता है इन फॉर्म ऑफ कैश, वो तो ये हमारी सर वेजेस एंड सैलरी कैश। लेकिन समटाइम क्या होता है, वो आपको खाने के लिए देता है, आपको रहने के लिए देता है, आपके आने जाने के लिए किराया देता है, या आपके लिए कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है कि ये आपको मिल रही है। लेकिन वो सब तब क्या होता है जब आप उसके पास काम करो, यस व्हेन यू आर वर्किंग फॉर दैट एम्प्लॉयर, तो वो आपको सर्विस देता है जो आपको वेजेस या सैलरी इन फॉर्म ऑफ काइंड मिल रही है, तो वो भी पार्ट है किसका, कॉम्पनसेशन एम्प्लॉय का। तो यहाँ है वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, कैश एंड काइंड दोनों जुड़ गए। क्या इतना ही पार्ट है कॉम्पनसेशन एम्प्लॉय का, नहीं, अभी तो कुछ और भी ऐड होना है, जैसे कि एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी। एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूट करता है आपकी सोशल सिक्योरिटी में। सो व्हाट इज द सोशल सिक्योरिटी, आपकी LIC पॉलिसी करवा दी, आपका मेडिक्लेम करवा दिया, आपके बच्चों के स्कूल की फीस पे कर दी, किसने, आपके एम्प्लॉय ने, आपने नहीं। जब आपका एम्प्लॉयर ये चीजें करता है तो उसको हम बोलते हैं सर एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटीज। एंड देन वी हैव द ऑपरेटिंग सरप्लस। अब जो ऑपरेटिंग सरप्लस है, इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट। व्हाट इज ऑपरेटिंग सरप्लस, क्या है ऑपरेटिंग सरप्लस, काम कैसे करता है, एंड हाउ यू गोइंग टू गेट नो कि ऑपरेटिंग सरप्लस किस तरह हमारी फ्रूटफुल होता है।
ऑपरेटिंग सरप्लस का कॉन्सेप्ट है जहां आपको बताया था पैसा पैसे को कमाना है, मतलब मनी अर्न्स इट्स ऑन। आपने कहा सर पैसा खुद कमा रहा है, जैसे कि पैसा आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, आपने पैसा किसको इंटरेस्ट दे दिया, आपने काम किया उस काम पे क्या हो रहा है आपको रॉयल्टी मिलनी शुरू। आपने कहा सर मनी जेनरेट्स मनी, मकान खरीदा किराए पे दे दिया, रेंट मिल रहा आपको, तो ये सब क्या कहलाया, ये सब का टोटल द मनी दैट वाज अर्न बाय मनी इज नोन एज ऑपरेटिंग सरप्लस। तो लुक एट हियर, वी हैव रेंट एंड रॉयल्टी, सबसे रेंट और रॉयल्टी आता है, सेकंड वी हैव इंटरेस्ट, एंड देन वी हैव द प्रॉफिट। वो उसके बाद हमारे पास प्रॉफिट के तीन पार्ट होते हैं, डिविडेंड द फर्स्ट थिंग सीरीज इज डिविडेंड, डिविडेंड मतलब प्रॉफिट का वो पार्ट जो कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था, पूरे टाइम आने पे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, स्टेक होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है एट द राइट टाइम, जब उसको लगता है एम्प्लॉयर को कि अभी जो भी स्टेक होल्डर्स है उनको उनका पैसा मिलना चाहिए, प्रॉफिट का शेयर मिलना चाहिए, उसको डिविडेंड कहते हैं। सेकेंड आता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का पार्ट है, ये दिया था। एंड देन वी हैव सर कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, जो कॉर्पोरेट टैक्स देते हैं हम वो, ये तीनों पार्ट है इसके प्रॉफिट के, इन तीनों को आपने दिमाग रखना। तो जब मैं इनका सम करता हूं मेरे पास आता है ऑपरेटिंग सरप्लस, जब मैं इन तीनों को ऐड करता हूं मतलब सीओई प्लस ओएस प्लस एमआईसी दैट इज कॉम्पनसेशन एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय, तो मेरे पास आता है एनडीपी एट एफसी दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको आप लोग डोमेस्टिक इनकम भी कहते हो। तो ये फॉर्मूला है जो आप लोगों को सबसे पहले याद रखना होगा, एंड दिस द रीजन दैट आई एम मेकिंग दिस वीडियो इन अ वेरी बिगिनिंग, कि आप लोग इस कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे समझ पाओ कि भैया नेशन इनकम को कैलकुलेट करने का सबसे इजी वे है इनकम मेथड। और जब हम इनकम मेथड की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले इनकम मेथड से कैसे नेशन इनकम को जनरेट करते हैं उसके स्टेप्स ऑन पे पहुंचे, एक बार छोटा सा फीडबैक देते हैं। हमने ये किया, हमने निकाला था एनएमपीआई एफसी, तो हमने क्या एनएमपी एट एफसी निकालना है, इसके दो पार्ट होंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डोमेस्टिक इनकम प्लस एनएफआई लेंगे। एनएफआई को दोबारा समझते हैं कि एनएफआई ये होता है, ये होता है नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। जो बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं हम सर घरेलू आय की बात करते हैं, और विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय की बात करते हैं, जो पैसा हम बाहर से कमाते हैं विदेशों से प्राप्त करते हैं। जब इन दोनों को जमा करते हैं तो हमारे पास राष्ट्रीय आय आती है साधन आगत, जिसे आप बोलते हो नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट एफसी। तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है, भाई हम दो पार्ट से बांट सकते हैं, एक तो डोमेस्टिक इनकम प्लस द नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। जब आप डोमेस्टिक इनकम की बात होते हो आप इसको तीन पार्ट से बांटते हो, सबसे पहले कॉम्पनसेशन एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। आई होप यू गाइस आर राइटिंग दिस, आप लिख रहे हैं तो आप बड़े आराम से क्लियर कर पाएंगे। इसको दोबारा क्लियर कर लेते हैं, सबसे पहला पॉइंट आ गया हमारे पास कॉम्पनसेशन एम्प्लॉय, नंबर टू दैट इज ऑपरेटिंग सरप्लस, एंड द थर्ड पार्ट इज नोन एज मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय। कॉम्पनसेशन एम्प्लॉय सिर्फ बहुत इजी है सर, ये जब हम किसी के लिए काम करते हैं तो हमें रिटर्न में पैसा देता है, अब वो या तो इन कैश फॉर्म में देगा या वो काइंड देगा। सर काइंड क्या होगा, वो हमारे लिए कोई हेल्प कर देगा, हमें कोई चीज दे देगा इन काइंड, या वो हमारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम में कुछ डोनेट कर देगा। तो आपने कहा इन तीनों का सम जो होता है वो हमारा क्या होता है, कॉम्पनसेशन ऑन एम्प्लॉय। उसके बाद मेरे पास आता है क्या, मेरे पास आता है सेकेंड पॉइंट दैट इज ऑपरेटिंग सरप्लस। ये ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, इसे हिंदी वाले बच्चे प्रचालन अधिशेष कह रहे हैं, जहां पे रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस रॉयल्टी। दोबारा रिपीट करता हूं, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस रॉयल्टी। यहां प्रॉफिट के तीन पार्ट कर देंगे सर, डिविडेंड किया गया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट किया गया, और कॉर्पोरेट टैक्स प्रॉफिट जो हमारे पास होता है उसकी बात की गई, उन तीनों का सम कर दिया गया। अब आपके पास अगर डिविडेंड दिया हुआ है, आपके पास अगर प्रॉफिट दिया हुआ है, तो याद रखना आप डिविडेंड को नहीं लोगे, क्योंकि डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। अगर आपको प्रॉफिट दे तो सिर्फ प्रॉफिट लेंगे। उसके बाद आते हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड में, तो मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड इज अ इजी थिंग दैट यू गाइस कैन कैलकुलेट, जो आपको दिया जाएगा किसी प्रोफेशनल की इनकम जो उसने खुद जनरेट की, जैसे मैं पढ़ा के अपनी इनकम को जनरेट करता हूँ तो ये कहलाएगी मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे जो काम मैं कर रहा हूँ मैं अपने लिए कर रहा हूँ, आई एम नॉट वर्किंग फॉर एनीबडी एल्स। तो जो भी इनकम मैं जनरेट करता हूँ अपने लिए वो कहलाता है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड।
तो ये वो कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए चीजों को कैसे समझ करना है और कैसे डिलीवर करना है। आई होप ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा। आगे की सीरीज सीरीज आगे की सीरीज जिसमें हम बात करेंगे सर नेशन गेम कैलकुलेशन एक्सपेंडिचर मेथड से, प्रोडक्शन मेथड से, वैल्यू एडेड मेथड क्या है, क्यों वैल्यू एडेड मेथड मैटर करता है हम सब के लिए नेशन को कैलकुलेट करते हुए, और डबल काउंटिंग का जो इशू है नेशन को कैलकुलेट करते हैं उसको कैसे रिसॉल्व करना है, अलोंग विद द प्रिकॉशन दैट वी गाइस नीड टू कीप इन माइंड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशन का, इन सब के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। डेफिनेटली चीजों को फॉलोअप करेंगे और कॉन्सेप्ट को पूरा लेंगे यहीं पे इस चैनल पे क्लासेस ऑफ लर्निंग। Oh, 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 oh